तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूं जो युवा कबड्डी सीरीज का मॉनसून एडिशन सीजन का आज के दिन का आखिरी मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा मुरथल मैग्नेट्स वर्सेस पेरियार पैंथर्स के बीच में। तो दोनों ही टीम्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ एक एक प्लेयर के बारे में आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और आज भाई जो कबड्डी का रिजल्ट रहा है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहा है। पहला मैच मेरे को एवरेज लगा, मैंने स्किप कर दिया, ना मैंने वीडियो दी ना मैंने भाई टीम दी, ठीक है। दूसरा मैच मेरे को बेहतरीन लगा, आपके भाई ने एक तरफा विनिंग आपकी करवा दी। तीसरे मैच की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तीसरा मैच भी हम कवर करेंगे और चौथे मैच की वीडियो आपका भाई बना रहा है। जो दूसरा मैच मैंने कवर किया है, आप टेलीग्राम पर आइएगा, इस वीडियो के बाद जो रिजल्ट मेरे पास आप लोगों के आए वो मैं शेयर करने वाला हूं। तो पहले रिजल्ट देखिएगा, बाद में भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। यहां पर बात करेंगे भाई इस मैच में कि कौन से प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ भाई एंड में एक प्रिडिक्शन टीम भी दूंगा। वीडियो के बीच में आपको ग्रैंड लीग के स्पेशल प्लेयर्स बताऊंगा। और जो भाई हमारे स्पेशल प्लेयर्स होते हैं ना, अगर मान लीजिए मैंने आपको चार प्लेयर्स बताए, तो मैं कभी नहीं बोलता कि आप सात में से चार प्लेयर्स हर टीम में उसको रख लो। मैं चार प्लेयर्स बताता हूँ, मतलब छः प्लेयर आप सेफ रखो, एक प्लेयर आप वो ट्राई करके चलोगे हर मैच में, मतलब हर टीम में। जैसे आपने चार टीम बनाई तो उन चारों को अलग अलग में ट्राई कर लो ग्रैंड लीग में, ऐसे होता है भाई। अगर मान लो ऐसे आप सारे प्लेयर ऐसे लेके चलेंगे जो भाई सारे हाईली रिस्की रहेंगे, जिनके चांसेस इतने ज्यादा नहीं है मैच में परफॉर्मेंस देने के, मतलब परफॉर्मेंस देने के इन द सेंस कि उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस देने का, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो मेन प्लेयर्स होते हैं, उनको आगे रखा जाता है तो भाई वही ज़्यादा परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे मान लो कि कोई थर्ड रेडर है तो उसको कम मौका मिलेगा, जब टीम का मेन रेडर और बैकअप रेडर फ्लॉप होगा तभी तो उसका मौका मिलेगा ना। तो भाई ये चीज़ें कुछ होती है जो आपको समझने की ज़रूरत है। फैंटेसी फील्ड में अगर आप आए हो तो फैंटेसी फील्ड को समझ के फिर खेलो, ऐसे नहीं है कि मैं आपको टीम दो और आप कॉपी करके लगा दो। भाई खुद की नॉलेज आप, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ना, आप उस नॉलेज से खुद की टीम बनाकर लगाओ। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए लाइफ में कोई नहीं रहेगा फैंटेसी फील्ड में। तो अब चलिए भाई बढ़ते हैं हम इस मैच की तरफ। मैच में भाई बात करेंगे एक एक प्लेयर के बारे में, कौन सा प्लेयर हमारे लिए क्या कुछ करने वाला है, और भाई सारी चीजें आपको सिर्फ एक ही वीडियो में मिल जाएंगी इस मैच से रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, नॉलेज अगर अच्छी लगे वीडियो में, अगर कोई भी बात आपके दिल तक जाए या कोई भी बात आपको हिट करे तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ 10,000 सब्सक्राइबर्स होने में, 10,000 की हमारी यूट्यूब पर फैमिली होने में मात्र 20 सब्सक्राइबर कम है, तो भाई वीडियो जो भी देख रहे हैं ना पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये भाई, मतलब फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कमाल हो गया यार। सब्सक्राइब करो यार, 10K की फैमिली कंप्लीट कराओ, 10K की फैमिली बहुत अच्छी लगेगी यार, मतलब राउंड फिगर तो अच्छा लगता है, ये सीधी सी बात है। तो सब्सक्राइब कीजिए यार, और मेरे लिए YouTube पर सब्सक्राइबर काउंट से ज़्यादा भाई एक फैमिली ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब चलिए भाई बढ़ते हैं हम अपने यहाँ पर मेन टॉपिक की तरफ, कि भाई इस वीडियो में हमें क्या क्या चीज़ें मेन रखनी है। तो एक एक सेक्शन की तरफ से चलेंगे, सबसे पहले डिफेंडर चूज करेंगे, फिर ऑलराउंडर, फिर रेडर, प्लस लास्ट में क्रेडिट मैनेज करके फाइनल टीम आपको दूंगा, ठीक है, फाइनल प्रिडिक्शन टीम। लेकिन जो मेरी बिल्कुल फुल एंड फाइनल टीम होगी ना, वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर आफ्टर लाइनअप्स, क्योंकि अभी मान लीजिए कि चलो मैंने आपको अपनी तरफ से बेहतरीन टीम दे दी और हो सकता है उसमें एक या दो प्लेयर ना खेलते नजर आए, या कोई ऐसा नया प्लेयर खेलता नजर आए जो इनमें जो सात प्लेयर खेल रहे हैं उनसे ज़्यादा बेहतरीन हो, तो इनमें से किसको ड्रॉप करके किसको फाइनल पिक रखना है, तो भाई वो सारी अपडेट मैं टेलीग्राम पर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में मिल जाएगी। तो चलिए भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं मैच बारे में। तो देखिए यहां पर SASNE और वीडुल दोनों भाई स्टार्टिंग के कुछ मैच खेले थे, उसके बाद भाई लगातार बाहर बैठे हैं। देखिए जब तक खेले थे बंदे ने मतलब कहर बरपा रखा था, उसके बाद भाई यहां पर एक मैच खेला नहीं, मतलब एक मैच में कुछ परफॉर्मेंस आई नहीं, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब जितने मैच खेले नहीं उससे ज्यादा बाहर बैठा है बंदा। सेम यहां पर बात करेंगे भाई हम यहां पर जो संदीप सैनी है इनकी तरफ से, तो भाई देखिए बंदा जब तक खेला बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, एक मैच में खराब परफॉर्मेंस, उसके बाद लगातार बाहर बैठा है भाई, और अभी तक बाहर ही बैठा है। तो ये चीज ध्यान रखें, अगर ये दोनों खेलते ना तो भाई पेरियार पैंथर्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस टीम बनकर उभर सकती थी इस मैच, इस टूर्नामेंट में, क्योंकि दोनों डिफेंडर बहुत ही खतरनाक फॉर्म में थे। वहीं अगर बात करें अब आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो राहुल को आप अपनी टीम में रखकर चल सकते हो। राहुल का क्या है कि भाई थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी रहती है, जैसे ऊपर मैंने दो डिफेंडर दिखाए वो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते थे, इनका क्या है कि देखिए यहां पर बिल्कुल घटिया परफॉर्मेंस, फिर मैच खेले नहीं, फिर अच्छी परफॉर्मेंस, फिर फ्लॉप, फिर फ्लॉप, फिर फ्लॉप, फिर अच्छी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर भाई देखिए जो लास्ट में वीडियो अगर आपने देखी होगी, मैंने क्लियरली बोला था
राहुल को आप ग्रैंड लीग में लेके जाना, जो लेकर गए होंगे भाई मेरे हिसाब से वो कभी भी पीछे नहीं रहे होंगे किसी भी बंदे से। यहाँ पर अगर बात करें तो जे वीरेंद्र ढूल मस्ट पिक रहेगा आपके लिए यहाँ से। और इसके अलावा भाई अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर रोहित रवि खत्री को अपनी टीम में रख सकते हो, लेकिन अगेन भाई वही बात है, थोड़ा सा एवरेज पिक रहेंगे, क्योंकि भाई देखिए इनके साथ दिक्कत क्या आती है कि भाई इनके जो मेन डिफेंडर है ना वो यहाँ पर भाई नहीं खेल रहे हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करेंगे तो भाई यहाँ पर जी छिल्लर हमारी टीम में जरूर रहने चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो भाई देखिए अगर आप इनको ड्रॉप करोगे ना तो वो भाई क्रेडिट इशू की वजह से ड्रॉप होंगे, वैसे भाई आप इनको ड्रॉप नहीं कर पाओ क्योंकि प्लेयर इतना खतरनाक है। यहाँ पर बात करें विक्की माला की, तो अगर खेलता है तो भाई मेरे हिसाब से आपके लिए मस्ट पिक रहेगा, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में आप ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर देखिए जो तीन ऑलराउंडर है ना ऑलरेडी हमें इनमें से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, और अगर आप सोच रहे हो इनमें से किन्हीं दो को ड्रॉप करेंगे तो फिर वो भाई आप टीम ग्रैंड लीग में उतारिए, क्योंकि वो या तो टोटल फ्लॉप जाएगी या टोटल हिट जाएगी, तो ये काम आप कर सकते हो ठीक है। अभी के लिए यहाँ से भाई हमें दो तो हमें कम से कम डिफेंडर पिक करने, तो एक हमारा जे वीरेंद्र ढूल होगा, दूसरा भाई मैं राहुल को अपनी टीम में लेना चाहूँगा, बट फिर वही बात है हम इनके मेन रेडर्स को नहीं ट्राई कर पाएंगे। तो अभी के लिए मैं ऐसे भाई रवि खत्री को ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है फाइनल टीम देते टाइम मूड कुछ चेंज हो या प्लेयर कोई अच्छा खेलता नजर आए तो उसको भी ले लेंगे, बट अभी के लिए इन दोनों डिफेंडर्स के साथ मैं जा रहा हूँ। वहीं अगर बात करें ग्रैंड लीग के लिए, तो भाई ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए सचिन बहुत खतरनाक प्लेयर रहेगा, जरूर से अपनी टीम में ट्राई कीजिएगा, जिस दिन चलता है भाई एक तरफा गेम बदल देता है, और सबसे बड़ी बात स्ट्रॉन्ग टीम का पार्ट है तो मौका दिया जा सकता है इनके मेन प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर, तो भाई आपके लिए अच्छा पिक रहेगा। वही अगर बात करें एम राठी भाई कभी कभी अच्छी परफॉर्मेंस देता है लेकिन भाई मोस्टली टाइम फ्लॉप रहता है, तो ग्रैंड लीग के लिए अच्छी पिक रहेगा, स्मॉल लीग में ट्राई मत कीजिएगा। यहां से देखिए इनके दो तो डिफेंडर हो गए, एक यहां से सी साहू हो गया, चेतन साहू हो गए, ये तीन ऐसे प्लेयर है जो लगातार भाई बाहर बैठे, मतलब बिल्कुल लगातार, तो ये यार एक गलत चीज़ लगी मेरे को, अदरवाइज भी ये खेलते तो भाई टीम का लेवल कुछ और ही होता इस टूर्नामेंट में। यहाँ पर अगर बात करें तो संजय भाई बेहतरीन से भी ऊपर का प्लेयर है, लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे, तो अभी के लिए मैं इन दोनों को अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन सॉरी रेटिंग सेक्शन में चलेंगे भाई, अब यहाँ से देखिए सबसे पहले भाई आपको अपनी टीम में रखना अक्षित डुल को, जो वन ऑफ द बेस्ट रेडर है टूर्नामेंट का और अपनी टीम का तो सबसे बेस्ट है ठीक है। इसके अलावा भाई आप अजय गुलिया को अपनी टीम में रख सकते हो, अगेन भाई एक बेहतरीन प्लेयर, थोड़ा सा हिट एंड मिस टाइप है, मतलब कभी फ्लॉप हो जाता है कभी चल जाता है, लेकिन ग्रैंड लीग में आप इसे कैप्टनसी जरूर दीजिएगा एक आध मैच में, बहुत शानदार प्लेयर है। सेम भाई आपके लिए दुआ, मतलब मैं बोलूंगा कि यहाँ पर आप अजय पंडित को दीजिएगा, लास्ट मैच में देखिए सब्स्टिट्यूट होकर आया था और भाई सब्स्टिट्यूट होकर आने के बाद भी 87 पॉइंट देकर गया, तो आप देख सकते हो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहेगा। वहीं अगर बात करें अक्षित डुल, लास्ट मैच बहुत गंदा खेल कर गया, कुछ तो स्टार्टिंग में भाई मतलब खेला अच्छा नहीं, उसके बाद भाई सब्स्टिट्यूट हो गया तो भाई बाहर बैठ गया, तो फिर कुछ कर नहीं सकते थे। यहाँ से अगर बात करें तो हमें दो प्लेयर और चूज करने, जो भाई मेरे हिसाब से आपके लिए इन जो मुरथल मैग्नेट से इनके दो रेडर आपकी टीम में होने चाहिए। अब आप यहाँ से कर क्या सकते हो, अगर आपको ट्राई करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रवि खत्री को ड्रॉप कीजिएगा और यहाँ से भाई आप अपनी टीम में ट्राई कीजिएगा कहाँ पे भाई राहुल को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मेरे हिसाब से रहेगा आपके लिए इस टीम में। तो यहाँ पर भाई देखिए मैंने यहाँ से प्लेयर चूज किया, तीन तो मेन डिफेंडर हो गए, यहाँ से भाई इनामिया को मैंने ड्रॉप किया है मुरथल की तरफ से, क्योंकि मैं यहाँ पर भाई गौरव छिल्लर के साथ जाना चाहता था। वही अगर बात करें रेडिंग डिपार्टमेंट की, तो भाई यहाँ से मैंने दो मेन रेडर पिक किए मुरथल मैग्नेट्स के, इसके अलावा भाई एक जो रेडर है वो यहाँ से मैंने लिया है अक्षित ढुल के रूप में यहाँ पर भाई पेरियार पैंथर्स का। और मतलब विनिंग की बात करें तो भाई मेरे हिसाब से टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम जो मेरे को लास्ट सीजन लगी थी और इस सीजन भी हो सकती थी बट है नहीं, रीजन उसका है कुछ, क्योंकि भाई देखिए ये अपने मेन प्लेयर्स के ऊपर ना तो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं ना फिर भाई ये मैच को अच्छे से खेल रहे हैं, मतलब मजे में आ रहे, जीत के जा रहे और हार के जा रहे, तो ये कुछ सीन रह रहा है। तो अभी के लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेकर चलना पड़ेगा, कैप्टनसी जो मैंने लास्ट मैच में दी थी वही हमारी सेम रहेगी यहाँ पर भाई क्या नाम भाई इनका उमेश पवार को मैं अपनी टीम में कैप्टन दे रहा हूँ, यू पवार को। और वीसी की अगर बात करें तो वीसी भाई संजय को मैं दे रहा हूँ, बाकी अगर आप थोड़ा सा डिफरेंशियल जाना चाहो तो आकाश और यहाँ से भाई अक्षित डुल दोनों आपके लिए बेहतरीन पिक रहेंगे सी वी सी के, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो गौरव को आप ग्रैंड लीग में कैप्टनसी जरूर दीजिएगा एक आठ टीम में। बाकी ग्रैंड लीग के लिए जो मैंने प्लेयर्स बताए अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो वीडियो वहीं पे मतलब वीडियो आपके सामने ही है, बैक करके देख लीजिएगा, क्योंकि 10 मिनट अगर आप नॉलेज लेने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो रिटर्न भाई आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मिलेंगे, क्योंकि इस मैच की बात नहीं है, पूरे टूर्नामेंट में प्लेयर तो यही रहेंगे ना, तो वो चीज़ है समझ के खेलिएगा।
मतलब अच्छे से खेलिएगा तभी भाई विनिंग कर पाओगे। दूसरी बात भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि भाई आपने जो टीम दी उसमें 3 प्लेयर नहीं खेल रहे थे, हमारा लॉस करवा दिया। मेरे भाई टेलीग्राम पर फाइनल टीम होती है, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती तो उसमें भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बार बार अब भी बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पर फाइनल टीम मिलेगी। टेलीग्राम टीम के पॉइंट आप देख सकते हो, अभी मैं रिजल्ट भी शेयर करूंगा। जो आज के दिन का पहला मैच हमने खेला था और इस टूर्नामेंट का आज के दिन का जो दूसरा मैच था, एक तरफा सुपर से भी ऊपर वाली विनिंग आपके भाई ने करवाई है, तो जाके देख लीजिएगा। बाकी भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको जो भी नॉलेज शेयर की अच्छी लगी होगी। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।